कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार का पहला काम होगा जो कांग्रेस के 5 साल के शासन के कार्यकाल में गरीब लोग जिनका हक छीना गया, प्रधानमंत्री आवास में जिनको मकान नहीं मिला, ऐसे 18 लाख लोगों का पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगी सरकार। और 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही कैबिनेट बुलाकर सरकार ने निर्णय ले लिया कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। और अब 18 लाख लोग जो वंचित हो गए, 5 साल में उनका सबका पक्का का मकान बनेगा। मोदी की गारंटी में हम लोगों का यह भी वादा था कि 2 साल का बोनस देंगे, 15 साल की सरकार में हम लोग 2 साल बोनस नहीं दे पाए थे, जिसको वादा कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी, उन्होंने भी अपने जन घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने की बात की थी, लेकिन 5 साल गुजर गया और नहीं दिए। हम लोगों ने मोदी की गारंटी में वादा किया और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 दिसंबर जो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न, उनकी जयंती जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करके 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए हैं, 3716 करोड़ रुपया। आज छत्तीसगढ़ में पीएससी में घोटाला करके हमारे यहां के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया। और हमारे आदरणीय मोदी जी भी ये कहे थे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो पीएससी में घोटाले हुए हैं, जो हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सीबीआई को सौंपे हैं। और अब जो भी पीएससी में घोटाले किए हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। और जो भी वादा है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान देने की भी बात, कीमत देने की भी बात हुई है। सभी किसानों को आश्वस्त करिए कि एमएसपी तो उनको मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को विरासत के रूप में खाली खजाना मिला है। लेकिन हम लोग किसानों को निराश नहीं करेंगे, उनका जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे, एक मुश्त उनको किसानों को देंगे। और जो विवाहित महिलाएं हैं जिनके खाते में साल में 12,000 रुपया देने की बात हुई है मातारी बंधन योजना में, हम लोग 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था कर लिए हैं और बहुत जल्दी हमारी माताओं के खाते में मातारी बंधन योजना का भी पैसा जाएगा। तेंदुपत्ता के लिए वादा किए हैं कि 5,500 रुपया मानक बोरा और 4,500 रुपया बोनस, जब सीजन आएगा तो इसी भाव में 15 दिन तक तेंदुपत्ता की भी खरीदी होगी। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन कार्डधारी हैं उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी में छत्तीसगढ़ की जनता से किया है वो एक एक वादा आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे। तो बंधुओं, हम लोगों को आदरणीय माथुर जी को सुनना है। अब विधानसभा तो जीत गए, सरगुजा में कांग्रेस को पूरा कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी कर दिए, लेकिन अब चुनौती है लोकसभा का। और लोकसभा में इस बार 11 में से 11 सीट जिता के देना है कि नहीं? अगर देना है तो हमारे माथुर जी यहां पर विराजमान है, दोनों हाथ उठाकर आप सब लोग उनको आश्वस्त करिए कि इस बार 11 में से 11 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इन चंद दिनों में जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किया था, उन वादों को किस तरीके से किया, यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके समक्ष दी है। मैं चाहूंगा कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, जो सौगात उन्होंने हम सबको दी है। दोस्तों, अब मैं ऐसे शख्स को आप सबके सामने आमंत्रित कर रहा हूं जिनके बारे में आप सबने सभी वक्ताओं से सुना कि किस तरीके से चुनौती को, किस तरीके से संघर्ष करके परिणाम को प्राप्त किया जाता है। और चंद महीनों में हम सब लोगों ने भी देखा और आप सबने भी देखा कि परिणाम को हमने किस तरीके से परिवर्तित किया और इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं माननीय माथुर जी को इन चंद लाइनों के साथ में जो हम सब लोगों ने उनसे सीखा और जो चमक हम सबके चेहरे पर दिख रही है, प्रदेश के लोगों पर दिख रही है कि यह चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, यह चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरु नहीं मेरे एतबार की है। ऐसे माननीय माथुर जी को हम सब सुनना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। माननीय ओम प्रकाश माथुर जी। भारत माता की। मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 सीट जीतने के बाद मन इतना आलसी हो गया है कि अब क्या है, कोई काम तो बचा नहीं अपने पास। लोकसभा की 2 सीट है, हम इसलिए जीतते हैं तो जय बोलने में भी थोड़ा वजन लग रहा है। भारत माता की। मजा नहीं आया भाई? भारत माता की। थोड़ा और बाकी है। भारत माता की। ये कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन है। सबसे पहले तो मैं प्रभारी के नाते लगभग पिछले अरे भाई जरा दुकान बंद करो अपनी, अरे पहलवान ये कौन है, सिक्योरिटी वाले, अरे भाई क्या मोटा आदमी, जानो अब नहीं चलेगा ये काम, मुझे लोकसभा जीतनी है, जीतनी है ना, तो सब साइलेंट रहना एकदम पक्का वादा। कार्यकर्ता सम्मान समारोह है और इस संभाग में मुझे 4-5 बार आने का मौका मिला, लगभग 14 ही विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिलने का भी अवसर मिला और मैंने कहीं डांट भी पिलाई, कहीं प्रेम भी पिलाया, कहीं हंसी मजाक भी की। मैं सबसे पहले तो आप सबको नमन करता हूं कि मेरी बात को याद रख के आपने मुझे 14 की 14 सीट आदरणीय अरुण साहब जी के झोली में डाली, इसलिए आप प्रणाम के पात्र है। और इसके साथ ही ये मंच में बैठे हुए मुख्यमंत्री सहित सभी मेरे नेताओं को भी आग्रह करूंगा, मंत्री होंगे, एमएलए होंगे, पार्टी के पदाधिकारी होंगे, कि सबसे पहले हम सब ये जो सामने मेरी फौज बैठी है, अलावल दस्ते के सैनिक बैठे, उनको अपनी कुर्सी खड़े होकर के उनको प्रणाम करें, ऐसी मुझे आपने प्रार्थना है। भारत माता की। आज हम आपका सम्मान करने आए हैं बंधुओं, ये हमारा सम्मान नहीं है, ये सम्मान आपका करना है। और मुझे जब मैंने 4 तारीख की नात को लैंडिंग की एयर राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV 24। हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे, मोदी की थी गारंटी।
यहां सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य के 18,12,743 पात्र परिवारों को आवास देने का लिया गया है निर्णय। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब मेरा घर पक्का हो जाएगा। मोदी जी ला छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होंगे हर सपने जो सपने सजाए हैं, मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। सच का अरसे से सोना पड़ा बाजार है।